आई होप यू आर वेल एंड आई एम आल्सो वेल। और आज हम बात करने वाले हैं कि जिसके भी अभी सीजीएल टायर फर्स्ट में देखो रिजल्ट भी आ चुका था 26 नंबर को, और उसके बाद कल मार्क्स भी आ चुके हैं जिसके भी 150 के अराउंड है, 150 से थोड़ी कुछ कम है, जिसके 130 है, किसी के 140 है, तो उसे क्या करना चाहिए, उसे मेंस की तैयारी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये एक क्वेश्चन है, थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, चलिए इसके बारे में बात करते हैं कि देखिए यदि आपके मन के चलिए 140 के अराउंड है तो 140 है, यदि आप मेंस में बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, अभी भी आपके पास 60 डेज है, ठीक है, तो मान के चलिए यदि आप 500 में से आप 400 के आसपास लेते जाते हैं तो इसके बाद और 140 हो गए आपके, तो इसका मतलब हो गया कि 540 के आसपास आप हो जाएंगे आपके पास, 540 में कुछ नॉर्मलाइजेशन के 550, तो इसका मतलब है कि यदि हम प्रिपरेशन करते हैं मेंस के लिए तो इससे दो या तीन चीज़ें निकल कर आती हैं जिसके दिखा हम काउंट करते हैं। पहली यह होगी कि हमारी मैथ और इंग्लिश बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगी, जो कि सीजीएल 2021 में बहुत कम आएगी, ठीक है, और इसके बाद एक हो गई। अब इसके बाद दूसरी बात यह है कि आप यदि जिसको 140 से 540 के आसपास आपके मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है, यदि फाइनल, तो मे भी हो सकता है आपको लोएस्ट पोस्ट मिल जाए कोई भी, फॉर एग्जांपल जैसे लोअर डिवीजन क्लर्क हो गया, किसी भी डिपार्टमेंट में मिल सकता है, यदि वो भी मिल जाएगी तो किसी ना किसी जॉब के ना होने से तो बेहतर है कि कोई ना कोई जॉब हो आपके पास, ठीक है, तो इसका दूसरा प्रॉफिट ये हो गया। और तीसरा प्रॉफिट ये है कि आपका थोड़ी और आपके पास कॉन्फिडेंस रहेगा कि नहीं अभी हमें मैथ्स की तैयारी करना है, तो आप ये आपका एक प्रॉफिट ओवरऑल आपको एक ऐसा प्रॉफिट मिलेगा वो कहाँ हेल्प करेगा, मान के चलिए आप इसमें अगर सिलेक्ट भी नहीं होते हैं सीजीएल 2020 में, तो जो आपका सीजीएल 2021 होगा तो उसमें देखो आपके प्री में इंग्लिश और मैथ दोनों में हेल्प हो जाएगी, ठीक है, उसमें आप बहुत अच्छा परफॉर्म करेंगे, और इसी के साथ आपकी मैथ हो जाएगी तो इसी के साथ आपकी रीजनिंग के भी हो जाएगी, अधिकतर फिर बाद में आपको प्रैक्टिस करने की जरूरत पड़ेगी, फिर रहेगी आपकी केवल जीएस, फिर आपको उसके जीएस को उतना कम टाइम दे देंगे, अलग से टाइम भी मिल जाएगा कि आपको मतलब मैथ इंग्लिश का टाइम उसमें चला जाएगा कुछ, क्योंकि आपको पहले से बहुत अच्छी आती होगी, और इससे तो मतलब इसका मतलब ये है, मेरा मानना तो यही है कि मतलब चाहे हमारे 130 हमारे पास हमारे 130 मार्क्स आए हों, 140 आए हों, 150 आए, तो फिर भी हमें कोशिश नहीं छोड़नी चाहिए, क्योंकि देखो कोशिश नहीं करेंगे तो पता नहीं पड़ेगा कितने मार्क्स आ रहे हैं, ठीक है। और उसके बाद यदि 150 के अराउंड और जिसके 160 है, 180 है, 170 है, तो उसका तो देखो हो ही आएगा यदि वो करेगा, लेकिन जरूरी नहीं है कि जिसके 160 है, 170 है उसका ही हो और 140 वाले का ना हो, कि क्योंकि ऐसा हो सकता है कि मैं इसे मान के चलिए जो 2019 वाला मैं इसका पेपर था आपने देखा था 15 तारीख का 16 तारीख का, वो तो थोड़ी मॉडरेट लेवल के थे, लेकिन जो 18th देखा था वो बहुत इजी दे दिया था, तो उन्होंने क्या किया था, नॉर्मलाइजेशन आपने देखा ही था, मतलब कि किसी के 141 मार्क्स थे उसके माइनस में 151 माइनस में चले गए, किसी के 51 माइनस चले गए, किसी के माइनस में 400 मार्क्स चले गए, तो ऐसा देखने को मिला था मतलब, लेकिन उस माइनस मार्किंग से कुछ फर्क नहीं पड़ता आपको, मतलब वो इजी पे पड़ता, तो मतलब जिसके 180 के आसपास आए थे उसके कम नहीं हुए, तो उसके बड़े ही थे, ठीक है, तो ऐसा भी 2020 हो सकता है। देखो SSC का कोई भरोसा नहीं है कब कौन सा एग्जाम, अब जैसे अभी की बात कर रहे हैं कि मतलब कल मार्क्स आउट हुए, तो रीजनिंग तो इस बार कैसी आई सभी को बताए, मतलब कोई एक्सपेक्ट नहीं कर सकता था कि मतलब इतनी टफ रीजनिंग SSC में भी आ जाएगी, लेकिन क्या कर सकते हैं, SSC का कुछ नहीं है, तो इसलिए बिल्कुल हर सेक्शन में प्रिपेयर्ड रहें और यह सोच कर चलें कि कभी भी कुछ भी हो सकता है, ठीक है। तो मान के चलिए कि अब मेरा तो यह कहना है कि आप मेंस की बढ़िया तैयारी कीजिए, आपके यदि 120 भी मार्क्स है तो इसमें क्या हो रहा है, अभी तो देखो सीजीएल जो 2020 में है उसके बारे में तो अभी कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि कब होगा, प्री कब होगा, कब डेट आएगी, कब मेंस होगा, कब क्या होगा, तो इससे अच्छा है कि यदि हम क्वालिफाई हैं, लिस्ट में नाम है, तो टायर सेकंड और टायर थर्ड भी देंगे, तो इससे हमें टायर सेकंड का एक्सपीरियंस भी होगा, टायर थर्ड का भी एक्सपीरियंस होगा, और मे भी हो सकता है पॉसिबल कि हमें डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए भी लेटर आया तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन का भी एक्सपीरियंस हो जाएगा, और यदि अच्छी मेहनत करेंगे, अच्छी मार्क्स लाएंगे, 400 के आसपास ले आएंगे, और मतलब 500 में आउट ऑफ 500 400 मार्क्स ले आएंगे, तो
लोअर वो अपर डिवीजन क्लर्क की पोस्ट तो मिल ही जाएगी। बाकी यदि आप और अच्छे लाते हैं 450 के आसपास 500 मार्क लाते हैं आप तो आउट ऑफ 500 तो इसका भी प्रॉफिट आपको होगा, मतलब कोई और अच्छी पोस्ट मिल जाएगी। तो चलेगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में और आई होप आपको यह इन्फॉर्मेशन मदद करेगी यह समझने में कि मतलब आपको क्या करना है और क्या नहीं करना है। बाकी देखो आपकी वो समझदारी है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि आप प्रिपरेशन कीजिए, मेहनत कीजिए बहुत अच्छे तरीके से और अपने आपके पास जितनी भी क्षमता है पूरी क्षमता का उपयोग करें और देखते हैं अच्छा ही होगा। ओके बाय।